ऋतिक रोशन इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं और जब भी उनके बारे में बात चलती है तो डायरेक्टर्स बड़े बक्स पे करने की ही सोचते हैं। अब जब उनकी बहुत सारी फिल्में एक साथ लाइन में लगी हुई हैं तो आपको बताते हैं कि उनकी क्रिश 4, वॉर 2, फाइटर, इन सभी मूवीज को मिलाकर निर्देशक उन पर 1000 करोड़ खर्च कर रहे हैं। और हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर्स ने बताया है कि ये फिल्म के प्लॉट पर नहीं बल्कि ऋतिक पर ही इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसमें से ज्यादातर पोर्शन वॉर 2 का है। अब इसका यही मतलब होता है कि अगर ऋतिक रोशन के अलावा अगर कोई दूसरा एक्टर होता इन सारी मूवीज में तो फिल्म का इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा नहीं होता। और अगर हम वॉर 2 की बात करें तो कहा जा रहा है कि इस फिल्म को 500 करोड़ के बजट के लगभग में बनाया जा रहा है। बात करें वॉर मूवी की फेम वाणी कपूर के बारे में तो हाल ही में इंटरनेशनल डांस डे पे उन्होंने इस फिल्म से अपने घुंघरू गाने के एक्सपीरियंस को शेयर किया। उन्होंने बताया कि ऋतिक के साथ स्टेप से स्टेप मिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इस गाने की शूटिंग के दौरान, इसकी प्रैक्टिस के दौरान वो ज़्यादातर समय ट्रेनिंग में ही बिताती थी, क्योंकि वो रिहर्सल करती रहती थी जब तक दूसरे लोग अपनी शूट देकर चले जाते थे। वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उन्हें ऋतिक के सामने डम नहीं दिखना था। उनका ये भी कहना है कि ऋतिक अपने को स्टार्स को डांसर्स को हेल्प भी बहुत करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसी के लिए भी वो अपने हुक स्टेप्स को कभी भी चेंज नहीं करते हैं। अब आपने ये भी सुना है कि इस फिल्म में NTR भी एंट्री लेने वाले हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि NTR ने इस फिल्म में काम करने के बदले बॉलीवुड के कुछ कॉपीराइट्स मांगे हैं, जिसमें से सबसे ऊपर जो फिल्म है वो है तू झूठी मैं मक्कार। और जल्द ही हमें इस फिल्म का एक साउथ इंडियन रीमेक देखने को मिल सकता है। साथ ही में अब क्योंकि NTR ने बॉलीवुड में कदम रखा है तो ऐसा हो सकता है कि ऋतिक रोशन भी जल्द ही एक तेलुगु मूवी में काम करते हुए नजर आए। यानी कि बॉलीवुड में बार्टर सिस्टम चल रहा है और दोनों ही इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड और टॉलीवुड, इस रेस में आगे निकलने की सोच रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड की सारी फिल्मों का जिम्मा अपने ही सर पर ले लिया है और वो इतनी सारी फिल्म्स में बिजी हो गए हैं कि उनके पास डेट्स ही नहीं बची हैं। फाइटर मूवी की शूटिंग अभी हाल ही में चल रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि वॉर मूवी की शूटिंग वो देरी से ज्वाइन करने वाले हैं। जहां एक तरफ 2023 के नवंबर में ही वॉर 2 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, वहीं इस शूटिंग को ऋतिक रोशन दिसंबर में ज्वाइन करने वाले हैं और इस फिल्म का पहला सीक्वेंस ही पहले फिल्माया जाएगा। वैसे अक्सर ये देखा जाता है कि फिल्म का क्लाइमेक्स या फिर लास्ट का शॉट पहले फिल्माया जाता है, लेकिन इस बार सीधा चलेंगे मेकर्स और वो फिल्म का पहला शॉट ही पहले फिल्माएंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बॉलीक्राफ्ट स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी होस्ट पंकरी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।